कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हैं आप क्या हमारा कुछ आज हम इम्पोर्टेंट सीक्यू ऊपर स्लाव डायनेस्टी के ऊपर तो हम क्वेश्चन कौन रहेगा वो रहेगा डायनेस्टी ज्यादा आल्सो कंसीडर डायनेस्टी को तक जाता है एंड डायनेस्टी का मौलिक डायनेस्टी था के बाद ज्यादा थ्रेड डायनेस्टी स्लाइड है इसका पीरियड टाइम पीरियड के अलावा जो उसके बाद कुछ दिल्ली सत्र का जो फोन है एबिक कुतुबुद्दीन एबिक जो है दिल्ली सत्र उसके बाद गया लाहौर जी का किसने चेंज की गाइस जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा और एबिक एक गाइस ने इसका लाल बकस किस रूलर को बोला जाता है ये जाता है एबिक को उसके बाद ये होता को दिल्ली क्वाकिन इस्लाम पसंद दिल्ली किसने कंस्ट्रक्ट की ये की गाइस एबिक ने उसके बाद गाइस पूछा गया हु कौन से आदि दीन का झोंपड़ा एट अजमेर आदि दीन का झोंपड़ा अजमेर में किसने बनाया गाइस ये बनाया एबिक ने उसके बाद गाइस पूछा गया है हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार यानी कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन किसने स्टार्ट की गाइस ये स्टार्ट की एबिक के द्वारा उसके बाद गाइस पूछा गया है कुतुब मीनार बिल्ट इन द ऑनर ऑफ यानी कुतुब मीनार को किसकी ऑनर के बनाया गया वो बनाया गया ख्वाजा बख्तियार काकी की ऑनर पे उसके बाद गाइस पूछा गया नेम द टू कोर्ट पॉइंट ऑफ एबिक यानी कोर्ट पॉइंट जो दो कोर्ट पॉइंट है एबिक के उनका नाम बताना है उनका एक का नाम है हसन नजामी और एक का नाम है फखरुद्दीन उसके बाद गाइस पूछा गया हु वाज द ऑथर ऑफ तजकुल मसीर तजकुल मसीर का ऑथर है हसनुल नजामी उसके बाद गाइस पूछा गया हु वाज द ऑथर ऑफ बुक तारीख़े मुबारक शाही लिखी गई है फखरुद्दीन के द्वारा उसके बाद गाइस जो पूछा गया है वो पूछा गया है एबिक वाज प्लेड वाइल प्लेइंग विच गेम एबिक डाइड हुआ मगर किस गेम को खेलते हुए गाइस चंगून या पोलो भी हम इसको बोलते हैं उसके बाद गाइस पूछा गया आराम शाह वाज द सन ऑफ आराम शाह किसका बेटा था गाइस ये था एबिक का बेटा उसके बाद गाइस पूछा गया व्हेन वाज आराम शाह असेंडेड द थ्रोन आराम शाह यानी थ्रोन पे कब बैठा था गाइस ये बैठा था 1210 में उसके बाद गाइस पूछा गया होगा द रियल फाउंडर ऑफ सलाई डायनेस्टी के रियल फाउंडर कौन है गाइस ये है अल्तुतमिश उसके बाद गाइस पूछा गया है इन 1215 अल्तुतमिश डिफेक्टेड विच रूलर अल्तुतमिश ने 1215 में गिलजुद को हराया था उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द मंगोल अंडर द लीडरशिप ऑफ चिंगेज खान वाज फर्स्ट टाइम इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मंगोल जो है इंडिया में आए अल्तुतमिश के टाइम पे तो सबसे पहले चिंगेज खान के लीडरशिप में उसके बाद गाइस पूछा गया हु गिवन द अथॉरिटी टू अल्तुतमिश टू एस्टेब्लिश सल्तनत दिल्ली ये अल्तुतमिश को अथॉरिटी दी थी खलीफा बगदाद के द्वारा उसके बाद गाइस पूछा गया कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया अल्तुतमिश के द्वारा उसके बाद गाइस पूछा गया हु कंस्ट्रक्टेड कोप ऑफ 40 लाइल सरव कॉल चहलगनी सिस्टम को एस्टेब्लिश किया गया है अल्तुतमिश के द्वारा उसके बाद गाइस पूछा गया हु स्टार्टेड इक्ता सिस्टम इन दिल्ली इक्ता सिस्टम दिल्ली में जो था वो स्टार्ट किसने किया था वो किया था अल्तुतमिश के द्वारा उसके बाद गाइस पूछा गया हु स्टार्टेड सिल्वर कॉइन टेंका एंड कॉपर कॉइन जिटल सिल्वर कॉइन टेंका और कॉपर कॉइन जिटल को एस्टेब्लिश किया अल्तुतमिश के द्वारा उसके बाद गाइस पूछा गया मनहाजुल सराज को एक पिकम कोर्ट पॉइंट ऑफ मनहाजुल सराज जो थे वो कोर्ट पॉइंट थे अल्तुतमिश के उसके बाद गाइस पूछा गया कहाँ फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग इन इंडिया ये किसको बोला जाता है फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग इन इंडिया
गाइज उसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अल्तमिश। उसके बाद गाइज पूछा गया था टाइम पीरियड ऑफ रजिया सुल्तान, इस रजिया सुल्तान का जो टाइम पीरियड है वो है 1236 से 1240 तक। इसके बाद गाइज जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया हु वाज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमन रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया, मेडिवल इंडिया के पहले और लास्ट वुमन रूलर कौन थे, वो थी रजिया सुल्तान। उसके बाद गाइज पूछा गया है रजिया सुल्तान ने शादी की थी अल्तानिया के साथ। उसके बाद पूछा गया था टाइम पीरियड ऑफ बल्बन, इस बल्बन का जो टाइम पीरियड है वो है 1265 से 1286 तक। उसके बाद हु क्रिएटिव मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवान आर्च, गाइज ये बल्बन के द्वारा हु क्रिएटिव, गाइज इसका सॉरी इसका बल्बन लिखना था, हमने दीवान आर्च लिख दिया है। उसके बाद पूछा हु स्टार्टेड जेल अलाही आर शेडो ऑफ गॉड, गाइज ये टाइटल ये स्टार्ट किया था बल्बन के द्वारा। उसके बाद गाइस हु ने सईदार पोबस सिस्टम, सईदार पोबस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था बल्बन के द्वारा। उसके बाद वो अमीर खुसरू इज अ कोर्ट पोएट ऑफ, अमीर खुसरू जो थे वो कोर्ट पोएट थे बल्बन के। उसके बाद पूछा टाइम पीरियड ऑफ कुबाद, इस कुबाद का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 1287 से 1290 तक। उसके बाद गाइस पूछा गया कि कुबाद वाज किल्ड बाय, कुबाद को किराया गया खिलजी रूलर के द्वारा। उसके बाद नज़ीरुद्दीन मोहम्मद इज आल्सो कंसिडर्ड, नज़ीरुद्दीन मोहम्मद को और बोला जाता है दरवेशी किंग। उसके बाद मसूद शाह बिकम द रूलर ऑफ, मसूद शाह एक रूलर है रकुद्दीन। उसके बाद हु डिस्ट्रॉयड द सिस्टम ऑफ चलसा, डिस्ट्रॉयड जो था चलसा को बल्बन ने ख़त्म किया। गाइस ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट MCQ स्लाइड एंड पे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस आने वाले चैनल पे हमारे इस चैनल पे डिफरेंट किस्म की वीडियो और मटेरियल दिया जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं 6006935166 पर कांटेक्ट करें तो हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहाँ पर हर लेक्चर की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF मिलती है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू।